जनसत्ता संपादकीय गति 120 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3 2 1 स्टार्ट। राजनीति अब धन और बल का खेल बन चुकी है। जिसके पास ये दोनों चीजें हैं, वह बहुत आसानी से किसी राजनीतिक दल का चुनावी टिकट हासिल कर लेता है। फिर यह किसी से छिपी बात नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद वह किस तरह के लोगों की कमाई बहुत तेजी से बढ़नी शुरू होती है। इसी चक्र को तोड़ने का संकल्प लेकर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। एक वैकल्पिक राजनीति की धारा विकसित करना और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाना उसका सबसे प्रमुख नारा था। मगर यह देखकर हैरानी होती है कि वही पार्टी अब खुद उस कीचड़ में लिथड़ने लगी है, जिसमें दूसरे राजनीतिक दल लड़ते आ रहे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में टिकट दिलाने के लिए एक विधायक के साले का 90 लाख रुपए की रिश्वत मांगना इसका ताजा उदाहरण है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी ACB ने उस व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि ऐसे आरोपों पर हमेशा आम आदमी पार्टी मुखर रही है कि उसकी विरोधी भाजपा उसे बदनाम करने की नीयत से ऐसे कुचक्र रहती है। मगर जिस व्यक्ति से रिश्वत मांगी गई थी, वह कई साल से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, और जब खुद उसी ने ACB के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई, तो फिर इसमें किसी कुचक्र का सवाल ही कहाँ उठता है। इसी तरह गुजरात में आम आदमी पार्टी के एक प्रत्याशी के अचानक लापता हो जाने पर पार्टी ने खूब शोर मचाया कि उसे भाजपा के लोगों ने अपहृत कर लिया है और उस पर नामांकन वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। मगर वह प्रत्याशी फिर अचानक प्रकट हुआ और उसने न सिर्फ अपना पर्चा वापस ले लिया, बल्कि सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ऐसा किया। उसे लग रहा था कि आम आदमी पार्टी राष्ट्र विरोधी और गुजरात विरोधी है। इन दोनों घटनाओं ने आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों को गहरी प्रश्नांकित किया है। हालांकि दिल्ली नगर निगम चुनाव में जिस व्यक्ति से टिकट के लिए रिश्वत मांगी गई थी, उसे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इससे वह अपने को बेदाग कह सकती है, मगर यह सवाल तो बना रहेगा कि कैसे उसके एक विधायक का नज़दीकी रिश्तेदार ऐसी गतिविधियों में संलिप्त था और किस भरोसे पर उसने टिकट दिलाने का वादा किया था। क्या उस विधायक को उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं थी, या क्या इस तरह के काम वह पहले से करता आ रहा था? चुनावों में पैसे का लेन देन कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी अब जिस तरह बेपनाह पैसा बहाने लगी है, उसमें उगाही के अनेक तरीके अपनाए जाने लगे हैं। अच्छे जनाधार वाले सामान्य कार्यकर्ताओं के बजाय धन बल और बाहुबल वाले प्रत्याशियों को टिकट देने का चलन इसीलिए अधिक है कि वे न सिर्फ अपने चुनाव का खर्च उठा सकेंगे, बल्कि पार्टी के कोष में भी पैसा डाल सकेंगे। इस तरह छिपे तौर पर ही सही, मगर पैसा लेकर टिकट देने की बातें आम जन तक में होती रहती हैं। मगर आम आदमी पार्टी ने भी वही तरीका अपना लिया है। यह उसकी नैतिकता पर सवाल खड़े करने वाली बात है। हालांकि चुनाव के वक्त हर राजनीतिक दल अपने विरुद्ध खड़े ताकतवर प्रत्याशियों को कमजोर करने या रास्ते से हटाने का प्रयास करता देखा जाता है। इसलिए रिश्वत मामले में हुई गिरफ्तारी और गुजरात में नामांकन वापस लेने वाले मामले की निष्पक्ष जांच होनी और सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। पैरा, भारतीय सेना के महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की भागीदारी भार सुनिश्चित करने के मकसद से
सरकार पहले ही कई सराहनीय कदम उठा चुकी है। इसके चलते महिला सैनिकों को खासकर युद्धक विमान उड़ाने का अवसर मिला और अब वे ऐसा कर पा रही हैं। इसी क्रम 32 सेवानिवृत्त अल्पावधि वाले यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत चयनित महिला अधिकारियों को पेंशन देने की सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश से निस्संदेह उनका मनोबल बढ़ा है। सेना में दो तरह के अधिकारियों की भर्ती होती है। एक वे होते हैं जो सेवानिवृत्त की आयु तक सेवाएं देते हैं, दूसरे वे होते हैं जो स्वेच्छा से अल्पावधि के लिए सेना में सेवा देने के लिए जाते हैं। अल्पावधि के लिए चयन और प्रशिक्षण आदि की प्रक्रिया लगभग वही होती है जो स्थायी सेवाओं के लिए चुने जाने वाले अधिकारियों की होती है, मगर उनके वेतन और भत्तों से संबंधित नियम अलग होते हैं। हालांकि अल्पावधि के अधिकारियों का स्थायी सेवाओं में बहाली का भी प्रावधान होता है, पर इसका निर्धारण संबंधित प्राधिकार करता है। अल्पावधि सेवाओं से निवृत्त हुए अधिकारियों के लिए दूसरे सरकारी महकमों की नौकरियों में कुछ आरक्षण होता है, पर जो सेना मुक्त होने के बाद कहीं और चयनित नहीं हो पाती या जाना ही नहीं चाहते, उनके सामने नियमित आय की समस्या पैदा हो जाती है। पैरा खासकर महिला सेनाधिकारियों के सामने यह समस्या अधिक जटिल हो जाती है जब वे सेवा मुक्त होकर कहीं और काम नहीं करती या कर पाती। ऐसे में सेना से पेंशन उनके लिए बड़ा सहारा हो सकती है। इसी संबंध में अल्पावधि सेवा की 32 महिला अधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने पेंशन और स्थायी सेवा में बहाली के लिए गुहार लगाई थी। हालांकि अदालत ने उनकी बहाली का आदेश तो नहीं दिया, पर सेना के अधिकारियों और सरकार से सिफारिश अवश्य की है कि उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए पेंशन बहाल की जाए। जिस मानवीय कोण से अदालत ने सिफारिश की और वायुसेना की तारीफ की, उससे उम्मीद बनी है कि इन महिला अधिकारियों के पक्ष में सकारात्मक रुख अपनाया जाएगा। दरअसल सेना के मामले में नागरिक अदालतें कोई बड़ा फैसला देने से बचती हैं, इसीलिए कि सेना की अपनी अदालत ही सैनिकों और अधिकारियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में प्राप्त अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए इस मामले की सुनवाई की। पैरा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस समय भारतीय सेना को योग्य अधिकारियों की बहुत जरूरत है, मगर इस आधार पर इस नियम के अनुसार निवृत्त हुए अधिकारियों को सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता। फिर भी अगर किसी अधिकारी में जज्बा है, वह योग्य है और अल्पावधि से स्थायी सेवा में जाना चाहता है, तो उसके प्रति कुछ लचीला रुख अपनाने में कोई हर्ज नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी बिंदु की तरफ इशारा किया है। फिर महिला अधिकारियों के मामले में मानवीय दृष्टि भी अपनाई जानी चाहिए। खासकर वायुसेना के अधिकारियों को तैयार करने में खासा वक्त और पैसा खर्च होता है। अगर अल्पावधि सेवा के लिए तैयार महिला अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया जाता है तो इससे दोनों की बचत होगी। अगर सेवा विस्तार संभव नहीं है तो उनके भरण पोषण के लिए नियमानुसार पेंशन की बहाली होनी ही चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का ताज़ा फैसला ऐसी अल्पावधि की एक अन्य महिला अधिकारियों के मामले में भी नज़ीर साबित होगा। पैरा, कोरोना संकट और रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा चीन ताइवान जैसी विकट स्थितियों के बीच G20 सम्मेलन का व्यवस्थित ढंग से संपन्न होना राहत की बात है। भारत अब G20 का अध्यक्ष बन गया है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया, ना कहूँ
से दोस्ती, ना काहू से बैर के सिद्धांत पर उन्होंने दो टूक शब्दों में हर राष्ट्र को संदेश दिया। इस सम्मेलन में चीनी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के लिए बिना एक दूसरे को गिराए संपन्न होने के लिए धरती पर्याप्त है। पूर्ण विराम।